महासमुंद जिले के सरायपाली डिवीजन अंतर्गत नवरंगपुर में विद्युत ठेकेदार द्वारा केबल लगाने का काम कराया जा रहा था। इसी दौरान करंट की चपेट में आने से आधा दर्जन मजदूर झुलस गए। वही मजदूरों के झुलसने की घटना सामने आते ही ठेकेदार और कर्मचारी वहां से फरार हो गए। फिलहाल 112 की मदद से घायल मजदूरों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों बिजली विभाग द्वारा पुराने एल्युमिनियम के तार को बदलकर केबल लगाने का काम ठेकेदारों के माध्यम से कराया जा रहा है। केबल लगाने के काम में लगे ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से काम कर रहे मजदूरों के जान माल की सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया है। महासमुंद जिले के सरायपाली डिवीजन अंतर्गत नवरंगपुर में विद्युत ठेकेदार द्वारा केबल लगाने का काम कराया जा रहा था। इसी दौरान करंट की चपेट में आने से आधा दर्जन मजदूर झुलस गए। मजदूरों के झुलसने की घटना सामने आते ही ठेकेदार और उसके कर्मचारी वहां से फरार हो गए। 112 वाहन के माध्यम से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायपाली भेजा गया, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में ठेकेदार के माध्यम से पुराने एल्युमिनियम तार को बदलकर केबल लगाने का काम विभाग द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार द्वारा व्यापक पैमाने पर लापरवाही बरती जा रही है। काम करने वाले मजदूरों को किसी तरह का कोई सुरक्षा बेल्ट उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे उनकी जान पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। नवरंगपुर में हुई घटना को लेकर जब छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री सरायपाली गौरव से दूरभाष पर चर्चा की गई, तब उनका कहना था कि वे महासमुंद में हैं और मामले की जांच करवा रहे हैं। गौरतलब है कि ठेकेदारों द्वारा लगाए गए मजदूरों में से अधिकांश अप्रशिक्षित हैं तथा कुछ लेबरों के नाबालिग होने की भी जानकारी सामने आ रही है। इसके बाद भी न तो विभाग की ओर से इस ओर ध्यान दिया जा रहा है और न ही विद्युत ठेकेदार मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। लिहाजा गंभीर दुर्घटना सामने आने के बाद भी किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, ACN 24।